फाइनली इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हो गया, और जिसका डर था वही हो गया, जिसका डर था वही हो गया। पाकिस्तानी टीम पूरी एक्सपोज हो गई, ग्राउंड में आते ही ढेर हो गई, बॉलिंग में आते ही पिटाई हो गई, और फील्डिंग में हमसे फील्डिंग ही ना हुई। इतने सारे इशू, इतने सारे इशू, इतने सारे सब वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैच जब स्टार्ट हुआ। मैच स्टार्ट हुआ, टॉस बाबर आजम ने जीता। टॉस बाबर आजम ने जीत के उनको दे दी बैटिंग कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, जिस तरह हमने पिछले मैच में हमने उनके 4 आउट कर दिए थे, हम वही वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन बाबर आजम को कोई बताओ कि कॉपी पेस्ट नहीं होता भाई, हर दिन अलग होता है, हर दिन की सिचुएशन अलग होती है, ग्राउंड अलग है, पिच अलग है, मोमेंटम अलग है। आपने ऐसा बोला क्या कि मैं पिछले वाले मैच को कॉपी पेस्ट करूंगा, हमारे शाहीन भाई आएंगे और हारिस रऊफ आएगा, नसीम आएगा, सब विकेट लेंगे और हम इनको प्रेशर में डाल देंगे। जबकि इंडिया को हमने बहुत ज्यादा ही ये समझ लें कि वीक कंसिडर कर लिया था, जबकि ऐसा था नहीं। इंडिया की बैटिंग अच्छी है, इंडिया की बैटिंग तो हमें पता था अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग चेक होनी थी, बॉलिंग तो चेक होनी थी, लेकिन हमने बैटिंग को उनकी बैटिंग को बच्चा समझ के उनको बोला आ जाओ सर बैटिंग करो, और हम आपको बारिश का मौसम है, हम आपको 200 के अंदर अंदर आउट कर देंगे, फिर डीएलएस मेथड लगेगा और हम बहुत इजीली टारगेट चेस कर लेंगे। जबकि ऐसा हुआ नहीं। इंडियन टीम जैसे ही बैटिंग करने आई, सबसे पहले तो देखा जाए तो क्या कहते हैं, ग्राउंड में जब टॉस हो रहा था तो उसी वक्त रोहित शर्मा ने बोला था हम इस पिच पे बैटिंग ही करना चाह रहे थे, और बाबर आजम ने टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी। तो यहाँ से समझ लो उनका पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो गया था। उन्होंने आते ही शाहीन अफरीदी को थोड़ा धोया, दबा के धोया। उसके बाद नसीम शाह हमारे एक बॉलर थे जिनकी बॉल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन वही बात है कि अगर दूसरे हैंड से किसी भी टीम को स्कोर मिल रहा होता ना, तो इस दूसरे फिर सिंगल हैंड से जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको भी विकेट नहीं मिलती। जब तक दोनों हैंड से एक जगह से विकेट कंटेन हो रही होती है तो दूसरी जगह से रन भी रोके जा रहे होते हैं। ये सीन हुआ, उन्होंने आके बॉल तो अच्छी करवाई लेकिन क्या फायदा, मतलब आप विकेट नहीं ले सके। तो अच्छी बॉल करा ली, ठीक है आपने अच्छी बॉल करा ली, आपकी बॉल मिस भी हो रही थी और डिस्टर्ब भी कर रहे थे बैट्समैन को, बट ऑन द अदर हैंड आपका स्कोर पड़ता जा रहा था, पड़ता जा रहा था, और इंडिया ने तकरीबन 13 ओवर में 100 चढ़ा दिया था 0 विकेट पे। हमारे शादाब भाई आए तो पहले 2 ओवर में तो उनकी अच्छी खासी हो गई धुलाई। हमारा सबसे बड़ा इशू जो था ना, हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे हमें काम करना होगा, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर लूँ कि हमारा इंडिया का मैच हुआ है, और इंडिया के मैच से पहले पहले हमारी ट्रेवलिंग हिस्ट्री आपने देखी है पाकिस्तानी टीम की, मीन्स इतने छोटे टाइम में आप एक इंटरनेशनल टीम को जिसको इंटरनेशनल प्रेशर है, मैचेस के प्रेशर होते हैं, इतना ट्रैवल करवा रहे हैं आपके, पहले यहाँ लाहौर से कोलंबो, कोलंबो से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यार आप मतलब पीसीबी क्या क्या चरस वरस पीते हैं, गांजा वांजा फूकते हैं क्या ये लोग ऑफिस में बैठ के, जब बना रहे थे कि पाकिस्तान में 4 मैच हो जाए, क्या उखाड़ लिया आपने पाकिस्तान में 4 मैचेस करवा के, उखाड़ क्या लिया मुझे ये बताएं। अब भाई आपने एसीसी से वैसे ही पैसे मांगने, जो आप अभी आप मांग रहे हैं कि टिकट नहीं बिके हमें पैसे देते पैसे, इससे अच्छा ये था कि आपने जब इंडिया को बुलाना नहीं है, आप में तप्पड़ नहीं था कि इंडिया की वो करवा लेते, कि इंडिया को पाकिस्तान में बुला लेते, या आपने दिए हुए मकाम जैसे दुबई, शारजा या कतर शतर जो आपने पेश किया था वहां बुला नहीं सकते थे, तो इंडिया को आप एशिया कप भेज देते ना भाई, आप सीधा सीधा पैसा कमा लेते, बोलते ठीक है हमारा इस एशिया कप में हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये इतना है, आप हमसे एशिया कप खरीदे और इंडिया में करवा ले, हम आ जाएंगे इंडिया में। जब आपने श्रीलंका जाना था तो फिर इंडिया ही चले जाते, कम से कम बारिशें तो नहीं होती, और उससे अच्छा आप सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसे भी गिर जाते, कोई टेंशन भी नहीं थी कि हमारी ये चीज जाएगी, हमारी चीजें इस्तेमाल होंगी, हो गया फिर कोई टेंशन खत्म थी, आप सीधा सीधा उनसे बोलते हमें इतना पैसा दे दो और एशिया कप आप हमसे खरीद लो, आपको जहां करवाना है वहां करवा लो, ये कर लेते। लेकिन नहीं भाई, हमने तो अपनी टीम को डिस्टर्ब कर देना था, एशिया कप स्टार्ट हो रहा था लाहौर, तो लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से यहाँ, यहाँ से कोलंबो, कोलंबो से कैंडी, कैंडी से यहाँ, अबे कहाँ कहाँ घुमा दिया तुमने उन बेचारों को, और मैच भी खिला रहे हो कंटिन्यूसली, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैच, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैच। भाई ये चीजें चीजें को डिस्कस करें पीसीबी वालों, आप अपने कोई थिंक टैंक बिठा लो कि भाई हम ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये हमारी टीम के लिए फायदेमंद होंगे या नुकसान होंगे, बस आप अपनी जिद लेके बैठे हैं, वो अपनी जिद लेके बैठे हैं, जब उन्होंने अपनी जिद ही मनवानी थी, उन्होंने श्रीलंका में ही करना था, उन्होंने ऐसी जगहों पर रखना था, तो इससे अच्छा आप दे देते उनको, बोलते ठीक है आप इंडिया में करवा लो हमें हमारा प्रॉफिट दे दो, खत्म कहानी थी, वो दे भी देते आपको तो करवा भी लेते इंडिया में, लेकिन नहीं भाई आपको तो प्रॉब्लम था। तो खैर ट्रेवलिंग इशू तो थे हमारी टीम के साथ, जो आपको ग्राउंड में नजर आया होगा कि उनकी शक्लें जो थी ना वो बता रही थी कि वो कितने थके हुए, उनका मैच खेलने का बिल्कुल दिल नहीं था, पहली बॉल से उनका दिल नहीं था, पहली बॉल से आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आपने इतना थका दिया था हमारे खिलाड़ियों को। लेकिन खैर ये तो अब आपके पीसीबी ने कर लिया था, वो बाबर भाई बोले हमें पता था ये होना है तो फिर होना है, तो फिर होना है तो फिर ये होता। उसके बाद आपकी बॉलिंग, सबसे पहली बात तो आपकी बॉलिंग, ठीक है यार आपका पहला शाहीन हर दफा विकेट आपको नहीं लेके देगा, नसीम आपको अच्छा कंटेन करके दे रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर दफा आपको पहले 2 बॉलर विकेट लेके दें, तो आपको मिडिल ओवर में भी तो आपने कुछ करना है ना यार, ऐसा थोड़ी मिडिल ओवर में आपने सिर्फ आगे पिटाई खानी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, आपके पास स्पिनर ही नहीं है कोई जेनवन, फील्डिंग आपसे हो रही नहीं है, आपने पहले ओवर में नसीम की बॉल पे कैच छोड़ दिया, फिर शाहीन शाह अफरीदी साहब ने वहां पे कैच छोड़ दिया, लोग बोले मुश्किल कैच था, यार मुश्किल कैच नहीं था भाई, आपने कैच पकड़ने का इंटेंट ही इतनी देर में दिखा, पहले तो सो रहे थे, अच्छा आ रही, अच्छा मेरी तरफ ही आ रही, अच्छा चलो फिर भाग लेता हूँ कैच पकड़ने, और फिर आपने उंगलियां तोड़वा ली, आपकी फील्डिंग इश्यूज है, चलो ठीक है भाई फील्डिंग वो फास्ट बॉलर था उससे नहीं होती थी, तो भाई यार स्लिप वाला कैच जो था वो कैसे छूट गया यार, बिल्कुल दो बंदों के बीच में से बॉल चली गई और आप शक्ल देख रहे हैं दूसरे की, आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं, आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं, तो भाई मैच तो आपने हारना है ना, आप ऐसा तो नहीं है ना कि एक डिपार्टमेंट में आप अच्छा करके मैच जीत जाओगे, नहीं सर हर जगह, आपके पास स्पिनर ही नहीं है यार, आपके पास स्पिनर नहीं है,
ये हम पिछली तकरीबन 2 दिन पहले वीडियोस बना रहे हैं। मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई आपके पास स्पिनर नहीं है, आप चलो यहाँ पे तो खेल लोगे। वहाँ वर्ल्ड कप में जो क्या कहते हैं आपका चेन्नई में अफगानिस्तान से मुकाबला हुआ, उधर आप क्या करेंगे? वहाँ अफगानिस्तान के पास तो 3 दिन मेजर स्पिनर्स हैं, वहाँ तो आपने 100 रन में सारा ऑल आउट हो जाना है, वो तो स्पिनिंग विकेट्स हैं। तो आपके पास स्पिनर्स ही नहीं है, आपने अबरार अहमद को नहीं खिलाना है, आपने उसामा मीर को खिलाना नहीं है, आपने सिर्फ शादाब को खिलाना है। शादाब 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 भाई शादाब फॉर्म में नहीं है, आप कब तक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेके चलेंगे? नहीं है वो फॉर्म में शादाब भाई। शादाब भाई को या तो शकलेन भाई थोड़ा समझाएं कि और किस तरह से वैरायटीज निकालनी है। वो एक ही बॉल करा रहे हैं, उनको बैट्समैनों ने पढ़ लिया, वो धो रहे। रोहित शर्मा की उन्होंने विकेट तो ली है भाई, पहले बता रहा हूँ, वो कोई विकेट नहीं थी, रोहित शर्मा ने एक शॉट खेल दिया, वो चला गई और कैच हो गया। कोई वो इतनी बड़ी विकेट थोड़ी थी कि आपने कोई उसको लेग बिफोर विकेट कर दिया या बोल्ड मार दिया या आपने प्रॉपर उसको शॉट खेला और बॉल खड़ी हो गई कि पता लग रहा हो कि यार आपकी बॉलिंग एफर्ट है। नहीं भाई, आपकी तो सीधी सीधी बॉल थी, उसने तो उसने टाइमिंग गलत, अगर देखा जाए तो टाइमिंग का इशू हो गया उसके रोहित शर्मा के साथ। वरना तो या तो तेज मारता तो भारती और थोड़ा स्लो मारता तो वन बाउंस के बाद खिलाड़ी के पास जाती है, बाउंड्री जाती है, लेकिन उसका मिस टाइम हो गया बस। इसमें आपकी तो कोई विकेट थी नहीं, चलो ठीक है फिर भी आपने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में शाइन ने आगे वो अच्छी बोल कराई, जिस तरह से उसने लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या को आउट किया था, सेम उसी तरह उसने गिल को भी आउट कर दिया। उसके बाद विराट आया और केएल आया, भाई ये लोग तो जम गए। मैच 147 पे आपने बोला नेक्स्ट डे पे खेलेंगे, बारिश हो गई है। नेक्स्ट डे आए, कोई नेक्स्ट डे तो मतलब आप ये समझ लें कि भाई कोई इंटेंट था ही नहीं, विनिंग विनिंग इंटेंट था ही नहीं। पहले ओवर से ही आपने कोई प्रेशर नहीं डालना टीम को, सीधे सुकून से कवर पे सिंगल हो रहे हैं, इधर पे सिंगल हो रहे हैं, दूसरी साइड सिंगल हो रहे हैं, पता ही नहीं, सारे ग्राउंड पे इधर उधर सारे जाके सबको खड़ा कर दिया। ठीक है आप बॉल आपके पास आती रहिए, पकड़ के फेंकते रहना, कोई प्रेशर नहीं है, ना नसीम को स्लिप मिल रही है, ना शाहिन को स्लिप दे रहे हैं। बाबर आजम पता नहीं क्यों इतने डिफेंसिव कैप्टन है, मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा बंदा हो गया है वो, नंबर वन पे टीम आई हुई है, नंबर वन बैट्समैन है यार, तुम अगर अटैकिंग क्रिकेट खेल के हार भी जाओगे ना तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन पता नहीं क्यों बाबर आजम हमारा डिफेंसिव हो जाता है। वो बस वही उसका क्या लॉजिक है पता नहीं, उसको पीछे से ड्रेसिंग रूम से सपोर्ट नहीं मिलती दूसरे स्टाफ की कि आप इस तरह से खेले, समझ नहीं आता उसको क्या इश्यूज हैं उसका। थोड़ा सा कैप्टनसी का बंदा वो अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है, कोई उसके साथ इतना पर्सनल नहीं है, अच्छी बैटिंग करता है जब भी वो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी यार आपको बिग मैचेस में परफॉर्म करना होता है, सबसे बड़ा इशू ये होता है हमारा इंटेंट नहीं था विनिंग का। आप फील्डिंग देख रहे, फील्डिंग में हमारे शोल्डर्स डाउन था, बस किसी तरह इंतजार करते खिलाड़ी के, बारिश हो जाए बारिश हो जाए बारिश नहीं हुई बारिश भाई। जब आप खुद एफर्ट नहीं करते ना किसी चीज के लिए तो फिर नहीं होता है फायदा आपको, ऊपर से भी कुदरत का निजाम भी नहीं चलता है भाई, कुदरत का निजाम भी नहीं चलता। आपका ड्रेसिंग रूम, आप पता नहीं हारने के बाद आपने जो बैटिंग की है यार, क्या बैटिंग की है भाई आप लोगों ने, आपको ना बुमराह की बॉल समझ में आ रही है, ना सिराज की बॉल समझ में आ रही है, ना उनका जो कुलदीप यादव है उसकी बॉल समझ में आ रही है, उनका यार हार्दिक पांड्या की बॉल समझ में, हार्दिक पांड्या से कौन बोल्ड होता है यार, पांड्या से कौन बोल्ड होता है, हार्दिक पांड्या की बॉल समझ में नहीं आ रही है। मतलब हाँ, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था हम बोले थे बैटिंग पीछे बैटिंग पीछे बैटिंग पीछे, इंडिया ने बैटिंग खत्म करी बॉलिंग पे ले भाई, बॉलिंग पीछे हो गई, 128 पे हम ऑल आउट हो गए, 128 पे 128 पे हम ऑल आउट हो गए यार, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं समझ नहीं आई मुझे बात यार कैसे। अब बात ये है कि क्या होगा, हम फाइनल में पहुंच सकते हैं, इसको इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारा जो रन रेट हो गया है ना वो इतना गंदा हो गया है कि अब हम क्या बताएं आपको, तकरीबन -1.8 पे चला गया है। और अभी हमारे 2 मैच हो गए, हमने तीसरा मैच खेला श्रीलंका से, अगर हम श्रीलंका से जीतते हैं तो हम 4 पॉइंट पे जाएंगे और हमारा रन रेट कोई 19-20 का ही फर्क होगा, क्योंकि श्रीलंका को तो हम इतने बड़े मार्जिन से हरा नहीं सकते। और अगर इंडिया श्रीलंका से हार गया और श्रीलंका पाकिस्तान से जीत गया तो भाई फिर इंडिया और श्रीलंका तो गया फाइनल में। अब पाकिस्तान के एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम्स के रिजल्ट का इंतजार है, दूसरी टीम के, क्योंकि श्रीलंका ने भी अभी तक एक मैच खेला और इंडिया ने भी एक मैच खेला। अब श्रीलंका ने एक पाकिस्तान से खेलना है, एक इंडिया से खेलना है। अब या पाकिस्तान श्रीलंका को हराए और इंडिया भी श्रीलंका को हरा दे तो फिर हमारे चांस बन जाएंगे ऊपर जाने के, और फिर ये तो बड़ा इफ एंड बट वाली कंडीशन हो गई। वही बात है ना यार, अब आप एक एक मैच हारने के बाद इफ एंड बट पे आ जाते हो ना, ये बड़ा ऑफ सीन होता है, इतने बड़े मार्जिन से कौन हारता है यार। तो ठीक है यार, आप समझ गए थे, 3 आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए थे, आपको समझ में आ गया था नहीं जीत सकते यार, आप अपने खिलाड़ियों को जो ज्यादा तुमको बोलते भाई 50 ओवर खेल कराओ, आपको आउट होने की क्या पड़ी हुई थी यार, सुकून से टुक टुक स्टार्ट कर देते भाई, 50 ओवर खेले थे टेस्ट में समझ लेते। नहीं भाई कोई वो ही नहीं है कि कहीं तो कोई सेंस नजर आ रहा हो कि यार एक बंदा एफर्ट कर रहा है। इंडिया के भी तो पहले मैच में 4 आउट हुआ तो पहुंच गए थे ना वो भी 266 पे खेल खेल के। हमारे वाले पता नहीं कौन सी रोटी खाते हैं, समझ ही नहीं आती है क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुश्किल चांसेस है फाइनल में जाने के, लेकिन जा सकते हैं हम, पॉजिटिव जाए, श्रीलंका को हराए, दुआ करें इंडिया श्रीलंका को हरा दे और फिर इंडिया बांग्लादेश को भी हराए, वो बांग्लादेश का तो मसला नहीं है इतना, लेकिन इंडिया भी श्रीलंका को हरा दे, पाकिस्तान भी श्रीलंका को हरा दे तो हमारे चांसेस बन जाएंगे, फिर फाइनल फिर इंडिया के साथ हो जाएगा। अब हमारी टीम में इसकी सिलेक्शन क्या होगी, अगर हम बात करें प्रॉपर पाकिस्तानी टीम के हवाले से, अब नेक्स्ट मैच में हमारी सिलेक्शन क्या होगी, क्योंकि अब समझ लें कहानी ये हो गई है कि अब पाकिस्तानी टीम के थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा। हमारे पास अभी स्क्वाड है कोई 20 लोगों का स्क्वाड है, अभी इस वक्त हम 20 लोगों का स्क्वाड कैरी कर रहे हैं अपने साथ। हमारे पास फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं हमारी टीम में, ठीक है, हमारे पास फहीम अशरफ को इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे पास नवाज की परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे पास शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है,
हमारे पास नसीम शाह इंजर्ड हो चुके हैं, हमारे पास हारिस रऊफ इंजर्ड हो चुके हैं। अब हमें तकरीबन तकरीबन कोई 5 चेंजेस करनी पड़ेंगे श्रीलंका के खिलाफ जाने के लिए। हम फखर जमान की जगह पे उम्मीद अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, मिडल ऑर्डर में आप सऊद शकील को खिलाएं, सलमान आगा को बिठा दें, क्योंकि आपने जब उसे बॉलिंग ही नहीं करानी तो उसको फिर प्रॉपर बैट्समैन लेके चले जाए ना भाई, सऊद शकील को ले जाएं उसको खिला लें। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे जो देखिए हमारा सबसे बड़ा जो इशू है ना वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट का है। स्पिनर हमारे पास नहीं है, हम अबरार को कैरी ही नहीं कर रहे, हम शादाब पे इतना अपने फोकस कर लिया कि हम ना अबरार को कैरी ही नहीं कर रहे। हम अबरार को कैरी करेंगे, हमारे पास अभी तक कोई सईद अजमल जैसा जेनुअन स्पिनर्स ही नहीं आया भाई टीम में सईद अजमल के जाने के बाद। ये सबसे बड़ा डालमा, और इतने टाइम से हम बगैर स्पिनर के खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। कोई ड्रेसिंग रूम में सोचने वाला बंदा नहीं है वो उनको बताया कि भाई हमें स्पिनर्स के लिए काम करना है। नहीं भाई, हारिस रऊफ हमारे अभी इंजर्ड हुए हैं और नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं, तो अब मोहम्मद वसीम जूनियर शहनशाह के साथ आ जाएंगे, और फिर देखे धानी या फिर जमान खान, इन दोनों में से किसी एक को ये लेंगे। उसामा मीर भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है स्पिनर का, लेकिन उसको हमने नहीं खिलाना, पता नहीं क्यों नहीं खिलाना, ना उसामा मीर को खिलाना है ना अबरार अहमद को खिलाना है, हमने शादाब को और नवाज को खिलाना है, क्योंकि नवाज बाबर का मैच विनर है और शादाब भाई तो वाइस कप्टन है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर अब देखें बात वही है, इतने सारे इश्यूज हैं। ये बात ठीक है कि एक मैच हारने से हम लोग नीचे नहीं चले गए, बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, लेकिन मसला ये कि आप थोड़ा सा इंटेंट दिखा देते ना इस मैच में। ठीक है, आपके ऊपर से विकेट्स गिर गई थी, आप आते, आपका रिजवान, इफ्तिखार, उसामा मीर, जो जो इफ्तिखार और सलमान अली आगा साहब थे, इनको चाहिए था यार गेम तो लेके बढ़े, 5 रन, 5 का रन रेट, 6 का रन रेट, लेके गेम को तो आगे लेके जाए, 240 250 तक तो जाए। आप बिल्कुल ही यार लेट गए पिच पे आ गए, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो ये सारी चीजें थी जो चीज हमने डिस्कस की पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा टॉस का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हुआ, फिर हमारे ट्रैवलिंग के इशूज थे, हमारे बॉलिंग के इशूज इस मैच में आ गए, दो बॉलर इंजर्ड हो गए, फील्डिंग हमारी वैसे इफ एंड बट रहती है, बैटिंग का हमारा पता नहीं था, मिडल ऑर्डर हमारा प्रॉपर फ्लॉप तो है, बस ये है चल गया तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक बॉल है, और सबसे बड़ा इंटेंट हमारा विनिंग का मिस था। ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों में पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये क्रिटिकल एनालिसिस पसंद आया होगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच के बाद। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।